Jai Hind is not a family show, meaning Sonia ji, Rahul ji and Priyanka ji can't watch it together. They might feel embarrassed or get into a competition counting the number of jokes on each member. We, of course, try to keep it balanced as per our innovative Najega, National Joke Equality Guarantee Scheme. Hi, this is Vivek Vishwam again. This time I paid 10,000 bucks, not like last time. I'm singing here tonight. It's my baby, love, lady finger. Oh yeah, she's in love with Wendy. I don't have no lines. I don't have no reason, no rhyme. But I'm singing here for you. वेलकम टू जय हिंद। मनमोहन जी पिछले दिनों अमेरिका गए, बहुत ही रिलैक्स थे। उन्हें पता था जो उन्हें बोलना है वो भेज दिया जाएगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली, मनमोहन सिंह जी की यूएस विजिट पर वहां की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा हमारी फर्स्ट लेडी गुरशरण कौर जी से मिली और गुरशरण कौर ने मिशेल से पूछा, तड़े देश विच प्याज क्या रेट से चल रहा है? बट फॉर द रिकॉर्ड, मिशेल ओबामा भी गुरशरण कौर से मिलते हुए काफी झुकी। नहीं नहीं, हेलो, इज्जत से नहीं, हाइट डिफरेंस की वजह से ऐसे उन्हें। पर एक बात समझ में नहीं आई, अगर गुरशरण कौर जी हमारी फर्स्ट लेडी है तो प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल क्या हुई? आई थिंक उनका भी तो कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन होना चाहिए ना, फर्स्ट समथिंग जैसा। मे बी शी कुड बी कॉल्ड आर फर्स्ट पल्लू और फर्स्ट मावशी, पहली मावशी आमची। नमस्कार करा प्रतिभा ताई, नमस्कार प्रतिभा ताई, काय म्हणताय? जरा पदर नीट गया डॉक्यावर ना। पर सुना आपने, हमारी फर्स्ट मौसी जो है, आई मीन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, रिसेंटली उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। नहीं, गाने का नहीं, नहीं नहीं, शी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फियर फैक्टर ईदर, बट शी बिकेम द फर्स्ट लेडी इन द वर्ल्ड टू फ्लाई इन अ सुखोई। और उन्होंने बैठती कहा, दादा धीरे चलना, मेरा पल्लू अटकेगा नहीं। पर एक काम नया किया उन्होंने, शी वोर अ जी सूट। या जी सूट, वो जो ग्रेविटी सूट पायलट्स पहनते हैं। बट आई थिंक उन्हें ग्रेविटी सूट की क्या जरूरत थी? आई मीन शी इज द लाइटेस्ट प्रेसिडेंट वी हैव हैड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। 30 मिनट की सॉर्टी के बाद, मतलब सुखोइंग के बाद, प्रतिभा पाटिल जी ने कहा, हाँ, मैं देखना चाहती थी कि हमारे पायलट इतनी बड़ी मशीन कैसे उड़ाती है। ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे। लेकिन इससे काफी फायदा हुआ है, बहुत मीडिया अटेंशन मिली। हाँ, ये बात और है कि ऐसे कपड़ों में उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। एक ने तो शर्त लगा ली, यह मुरली मनोहर जोशी है क्या? लेकिन जो भी हो, वाह 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 तो मिली। लोगों ने कहा कि हाँ भाई, इस प्रेसिडेंट में दम है। और वो इतना खुश हुई कि आजकल वो गा रही है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो, हो दुख भरे दिन बीते रे भैया। बट लुक डीपर, आई मीन ये कैसा रिकॉर्ड है? दुनिया की पहली महिला जिन्होंने सुखोय फ्लाई नहीं किया, बल्कि सुखोय में फ्लाई किया। इट्स लाइक मैंने सेंचुरी नहीं बनाई, बस सचिन को सेंचुरी बनाते देखा, तो मेरा नाम भी गिनीज बुक में लिख डालो यार प्लीज।
We will be back with kangaroos and other weird creatures plus Rocket Singh. Yes, the salesman of the year right after this short break. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में एक कैंगरू ने एक कुत्ते को डुबाने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया में अब कैंगरू भी आउटसाइडर्स पर अटैक कर रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था। कुर्बान की पब्लिसिटी में कहा गया था कि फिल्म में 18 चुंबन है, किस है, और फिल्म देखने पर पता चला कि सिर्फ दो ही है। हमने पहले कहा था, याद नहीं तो पिछले एपिसोड देख लो, हमने पहले ही कहा था पावती संभाल के रखने का। हाँ, अभी सैफ और करीना से बोलो बाकी के 16 करके दिखा, पैसा वापस करूंगे। वैसे आई नो सैफ, हाँ मतलब वो सैफ कहेगा अरे करके दिखा देते हैं यार, करीना कहेगी पैसा वापस ले लो। सीरियसली I have reasons for this, yeah. Come on. Recently, Kareena Kapoor ने सैफ अली खान को एक secret SMS भेजा। हाँ, अरे ये बहुत ही special secret message था। पहले उन्होंने पूरे मीडिया को बताया, फिर सैफ को बताया कि मैसेज में क्या भेजेगी, और फिर SMS भेजा। And we thought सैफीना is one person. मतलब दूर का रिश्ता है यार, मैसेज भेजने पड़ते हैं। जिन लोगों ने करीना सैफ की नई फिल्म कुर्बान देखी है, उनका मानना है कि कुर्बान इज वर्स देन ब्रिटानिया बॉर्बन। नहीं, प्लीज, जोक्स अपार्ट, गंदे जोक्स अपार्ट, द रियल रीजन फॉर पीपल नॉट लाइकिंग कुर्बान इज दैट लोगों को सैफ का नया लुक, यानी कि उनका वो फ्रेंच बियर्ड वाला लुक, वो पसंद नहीं आया। हाँ, आई थिंक दे आर राइट, इट लुक्स फेक, है ना। इनफैक्ट सैफ लुक्स लाइक ही इज वेयरिंग a VIP Frenchie on his face. I think the film business is going completely kangaroo. हाँ, पिछले दिनों एक फिल्म आई थी अलादीन, उसका बहुत मैजिकल इंपैक्ट रहा। जब भी सिनेमा हॉल मालिक ने अपनी बिल्डिंग का गेट खोला, आसपास के लोग गायब हो गए। चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं दिखाई दिया भैया, अमेजिंग इफेक्ट्स आई टेल यू। मल्टीप्लेक्स प्रॉब्लम्स से आते हैं रिटेल इश्यूज, रिटेल बिजनेस बहुत कमजोर हो गया है। यू समझ लीजिए कि री निकल गया है, बस टेल रह गई है। अमेरिका में लास्ट मंथ एक आदमी ने अपने बालों से एक बस को खींचा। बालों से बस को खींचा, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ एक महिला है जो एक बहुत ही कमजोर आदमी से पूरे देश को खींच रही है। सोचिए फिर। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर ग्रेट पीएम मनमोहन सिंह जी, उनका कहना है कि वो इंडिया पाकिस्तान मामले पर किसी से भी बात करने को तैयार है। हो सकता है अगली इंडो पाक बातचीत राखी सावंत के साथ हो, या फिर शोएब अख्तर, या बिलाल। आर यू श्योर दिस इज अ गुड आइडिया मन्नू सर? नाउ अ क्विक मायावती अपडेट। मायावती जी अपने लिए और सिक्योरिटी चाहती है, और पुलिस का कहना है बहन जी हमने सारे कमांडोज को लगा रखा है, आप हमें मत लगाओ भैया, सारे कमांडोज का लगा रखा है, आप ही की स्टैच्यूज के सिक्योरिटी के लिए, जैसे ही वो हटते हैं साला कोई मूड देता है वहां पर। अब क्या करें बताइए, क्या करें, पूरी बीएसएफ बनाए आपके लिए, बहुजन स्टैच्यू फोर्स। मधुर भंडारकर का प्रीति जैन रेप केस की सुनवाई फिर शुरू होने वाली है। आप सोच रहे इतने सालों बाद अचानक। एक्चुअली जज ने मधुर की वो लेटेस्ट फिल्म जेल देखी और कहा कि चूतियों को जेल का कोई अंदाजा नहीं है, इसको भेजो अंदर, भेज तो सब तब पता चलेगा इसको। मधुर क्या है, थोड़ी और रिसर्च की होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता बेटा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स अब IIM से MBA नहीं करना चाहते। उनका मानना है जो इंस्टीट्यूट अपना एंट्रेंस टेस्ट मैनेज नहीं कर सकता वो मैनेजमेंट क्या खाक सिखाएगा। पिछले दिनों CAT मतलब CAT का ऑनलाइन टेस्ट हुआ। बताते हैं कई स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में ग्लिचेस मिले, मतलब जो लोग मैनेजर बनने गए थे वो कंप्यूटर टेक्नीशियन बनकर बाहर आ गए। यानी कि रॉकेट सिंह, वी विल बी बैक विद रॉकेट सिंह द सेल्समैन ऑफ द ईयर एज सून एज यू क्लिक द नेक्स्ट सेगमेंट। Ladies and gentlemen, our guest tonight is none other than Rocket Singh, the salesman of the year. तो क्या सचमुच आपकी जेब में रॉकेट है? मेरी दोनों जेबों में होल है। आप कहीं से भी हाथ डालेंगे रॉकेट ही मिलेगा। I'm comfortable with my rocket. Hi. 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 आइए बात करते हैं। आइए। हाँ जी, बैठिए बैठिए। रॉकेट सिंह जी, तो आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप इस फिल्म में सरदार क्यों बने? Honestly, जी ये फिल्म ना जी, फिल्म इज अबाउट ऑनेस्टी। So I'll be honest with you. बिल्कुल। अब मुझे भी नहीं पता है फिल्म में मैं सरदार क्या। अच्छा हाँ, वो मैंने जयदीप सानी से कई बार पूछा कि यार मैं फिल्म में सरदार क्यों हूँ, और हर बार उसने मुझसे कहा ओ जी ये फिल्म इज अबाउट मिडिल क्लास, आई अंडरस्टैंड मिडिल क्लास, यू डोंट अंडरस्टैंड मिडिल क्लास। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, तो लेकिन वो फिल्म के एंड तक उसने मुझे बताया नहीं कि ये फिल्म में मैं सरदार क्यों और इसका मिडिल क्लास क्या लेना है। मेकअप का खर्चा बचाना चाहता था, इसलिए बोल दिया कि भैया तुम अपनी दाढ़ी बढ़ाओ ताकि जो है वो जगह कम बचेगी, यू नो कारपेट एरिया में कम स्क्वायर फुट और उसमें थोड़ा मेकअप तो यू नो। ये मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास है। हाँ मैं भी यार, मैंने बोला आदि को कि यार अगर तेरे को दाढ़ी लगानी है तो उदय चोपड़ा को लगा, लोग पहचानेंगे नहीं, हो सकता है इसी वजह से कोई गलती से देखने चला जाए उसकी फिल्म। और जयदीप को भी मैंने कहा कि यार तेरी फिल्म है वो खोसला का घोसला है, उसमें भी तो एक रणवीर था है, रणवीर शौरी, उसको यार तू दाढ़ी लगा, मेरे को क्यों ये घोसला लगानी, क्या जरूरत थी। अच्छा जरा रॉकेट सिंह के बारे में कुछ बताइए। रॉकेट सिंह के बारे में जी ये मैं बता दूंगा तो लोग फिल्म देखने क्यों जाएंगे? लोग फिल्म देखने जा रहे हैं? गुड क्वेश्चन। हाँ नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली कौन जा रहा है? हाँ तो बता ही देता हूँ, एक्चुअली ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट्स अबाउट यू नो अ गाय हु वांट्स टू बी अ कंप्यूटर सेल्समैन। आगे बस है? सही है, अच्छी नहीं है? अच्छी मतलब है तो यार कहानी, यार अच्छी कहानी मतलब है, इसमें और भी कुछ है आगे ना। सेकंड हाफ में एक्चुअली बड़ा मजेदार है। सेकंड हाफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। वाह वाह। उसमें बंदे मतलब उसमें क्या होता है, तीन बार लगता है कि फिल्म खत्म होने वाली है, हो गई हो गई हो गई, होती नहीं है, अनदर स्टोरी। तो इस बंदे का नाम रॉकेट सिंह क्यों है ये बताइए जरा दर्शकों को। गुड क्वेश्चन, गुड गुड क्वेश्चन। एक्चुअली वो बंदे को लोग चिढ़ाते हैं ऑफिस में उसके, और वो लोग उसको ये क्या पेपर रॉकेट होता है, पेपर रॉकेट ऐसे फेंक के चिढ़ाते हैं, तो उसका नाम हो जाता है रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह यार ये अजीब नहीं लगता आपको? अजीब तो है, है ना? फिर मैं बोला यार, मैंने जयदीप से फिर बोला कि यार ये ना अगर लोग उसको पेपर रॉकेट की जगह वो पेपर बॉल मारते तो क्या फिल्म का नाम, हीरो का नाम बॉल सिंह होता? बॉल सिंह अजीब लगता है। Anyway, सोचिए अगर चिढ़ाने के लिए तुम्हारे पीछे टिश्यू पेपर की पूंछ लगा देते तो क्या तुम्हारा नाम टिश्यू पेपर पूंछ सिंह हो जाता? Right, but कसम से बोलूं, this is more interesting than the film's name. है ना? Better है।
ये सेल्समैन की फिल्म है, आप इस फिल्म के लिए कन्विंस कैसे हो गए? ऑनेस्टली मैं तो नहीं हुआ था, मैंने जयदीप को पूछा भी यार, तो जयदीप ने बोला यार दिस फिल्म इज अबाउट मिडिल क्लास, यू डोंट अंडरस्टैंड मिडिल क्लास, दिस फिल्म इज अबाउट मिडिल क्लास एस्पिरेशन, परस्पिरेशन, फ्रस्ट्रेशन, एशन, ये एशन, वो एशन, बड़े बड़े लेबल यार। मैंने कहा देखो यार, हमको ये बड़े बड़े लेबल नहीं समझ में आते, हमको तो ग्रीन लेबल, ब्लैक लेबल, ये जो सिंपल लेबल होते हैं ना, ये समझ में आते हैं। और वैसे भी यार मेरा उनका यशराज से ना 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था, इससे पहले वो मेरे को किसी उदय चोपड़ा की फिल्म में डाल देते, मैंने सोचा यही कर लो, बस ये रीजन था। नहीं और भी अच्छा एक रीजन था, बिकॉज ऑफ माई मॉम। मॉम? हाँ मॉम, एक्चुअली क्या हुआ ना कि माई मॉम सेड, नहीं 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 नहीं, आदि सेड कि यार तू ये फिल्म करेगा तो हम तेरे पापा को 5 फिल्में देंगे यशराज के साथ, एंड देन माय मॉम सेड बेटा प्लीज डू इट, नहीं तो पापा ना घर पे बैठ के दिन भर ना पीते रहते हैं और बोल राधा बोल के किस्से सुनाते रहते हैं। हमारे व्यूअर्स से कुछ आप कहना चाहेंगे? आपके व्यूअर्स हैं? हेलो, टीवी शोज के पास एड्स हैं लेकिन व्यूअर्स नहीं है, हमारे पास 1 बिलियन व्यूअर्स है, एड्स नहीं है, तो क्या हुआ? 1 बिलियन व्यूअर्स, 1 बिलियन व्यूअर्स, अरे अगर कुछ कह तो बोलो। 1 बिलियन तब तो मैं बोलूंगा भाई। हेलो देयर, मैं रणबीर कपूर द सेल्समैन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म जरूर देखें, इट्स अ वेरी गुड फिल्म, इट्स अ रियली नाइस फिल्म, इट्स अ माइंड ब्लोइंग फिल्म, इट्स अ, बस आप देखो। फिल्म का नाम तो बता दो। हाँ फिल्म का नाम भाई अजब प्रेम की गजब कहानी। अरे यू आर हियर टू प्रमोट रॉकेट सिंह ना? हैं? नहीं भाई, आई एम अ सेल्समैन, आई सेल व्हाट सेल्स। ओए नहीं, ओए और रॉकेट नहीं, ओए अरे ओए ओ रॉकेट, ओ ये तो रॉकेट उड़ गया। अच्छा चलो भैया मैं भी उड़ता हूँ, गो एंड कैच हिम। नो आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म, फिल्म नो आई थिंक इसे पकड़ना ज्यादा आसान है। ए रुके, सुनिए, पब्लिक सेक्टर करप्शन में इंडिया का रैंक 84th आया है। यह सुनकर हमारे बाबू लोगों को बहुत गुस्सा आया, वो अब और ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, बल्कि सारे के सारे अंडर द टेबल ओवर टाइम कर रहे हैं। दे होप, सीरियसली दे होप नेक्स्ट ईयर इंडिया कम्स इन द टॉप 10 ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स गो टू आवर पेटेंटेड कन्फेशन रूम भूतनाथ और देखते हैं हमारे करप्ट बाबू लोगों को गुस्सा क्यों आता है। देखिए आइए आइए। और देख भाई, ये जो रिश्वत लेना और देना है ना, ये भारत के सबसे पुराने रीति रिवाजों में से एक है। हम क्या कर रहे हैं भाई, ओसी कल्चर का पालन कर रहे हैं बस। आपको क्या लगता है रिश्वत के पैसे इतने आसानी से मिलते हैं, पेड़ पे उगते हैं? हाँ सरकारी नौकरी जितनी मिलना इतना आसान है? नहीं भैया, बहुत कॉम्पिटिशन है और रिश्वत देने से ज़्यादा रिश्वत लेने वाले। आज ऑफिस में रिश्वत लेने के लिए हमारे कलीग के साथ हमें कितना माथापच्ची करनी पड़ती है पता है आपको? और ऊपर से अफसर लोगों की खिटपिट, और घर जाओ तो बीवी को नया टीवी चाहिए होता है, क्या करें भैया। कभी कभी तो लगता है सच्चाई बेटर ऑप्शन है। शांत शांत, जब खुद भगवान ही वीवीआईपी लोगों को कतार तोड़कर पूजा करने से नहीं रोकते तो हम कैसे रोक सकते हैं? लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे हम पुलिस वाले खाते हैं, ये गलत है। आपको मालूम पुलिस को कितनी पगार मिलती है महीने की? अरे महीने की 26 तारीख तक सब पैसा खत्म हो जाता है। हाँ आखिर के 4 दिन में दबा के पैसे खाता है, कोई कुछ भी करे। अगर कोई पैदल भी चल रहा है ना तो मैं उसे कहता हूँ तुमने लेन काटा है। हाँ जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती तभी हम लोगों से पैसे लेते हैं, हमें उन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के साथ कंपेयर मत करो। हाँ पता नहीं आप लोग डोनेशंस को रिश्वत क्यों कहते हैं।
देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आई एम अ प्रिंसिपल सो लिसन टू मी केयरफुली। सी, अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो एडमिशन के वक्त आप जो देते हैं वो डोनेशन हुआ। बट अगर आपका बच्चा टफर है तो फिर आप कुछ देते हैं तो वो हुआ रिश्वत। सी, मुद्दे की बात ये है कि जो मैरिड स्टूडेंट्स हैं वो तो लाइफ में कहीं भी जाके सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, लेकिन जो डफर स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, उन्हें कौन चांस देगा? डेमोक्रेसी नाम की भी चीज़ है कि नहीं? Am I right? अरे यार क्या बोलूं, एक जमाना था जब हम रिश्वतखोरी और करप्शन के नेशनल चैंपियन थे। इस इंटरनेट ने हम सबकी मात दी है। इस साला मेरा काला कोट भी यार सफेद हो गया है। साला कोई सब ई टिकट खरीदता है, कोई टिकट खरीदता ही नहीं। साला पैसे भी कोई देता नहीं। टीसी से टीवी बन गया हूं मैं, टाइम पास। सब लोग रिश्वत लेने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रिश्वत देना कितना बड़ा आर्ट है आपको पता है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप कर सकते हो। अगर आज मैं इस कैमरामैन को रिश्वत नहीं देता तो मेरे लिए टीवी पे आना पॉसिबल नहीं था। सोचने की बात है। देखा देखा क्या क्या हो सकता है घूस देने से। आई जस्ट पेड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू डू अ रेड ऑन मी। अरे स्टेटस बढ़ता है यार। ओके ओके, गॉट टू रश। वो लोग आ गए होंगे ना घर पे। हाँ, कल फोटो छपेगा मेरा, देखना। गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।